ये इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा है दोबारा कि मैप लगाऊं फिर से। तुम ना गोबर खाने वाला काम किया छोटे, समझा? हम लोग छोटा मोटा वीडियो बनाते हैं अंकल। क्यों भैया हमारा ऐसा कहे लगा था कि तू हमारे केदारनाथ में बेग डूबा? ऐसा गट्स फीलिंग आ रहा है पीछे, बॉडी है तो काम कर रही है। हमको ऐसा एकदम अंदर से फीलिंग आ रहा है कि आप मेरा बैग ढोइएगा। बाइक और बता रहे हैं ऐसा नाला नुक्कड़ में ही लोग घुसाए हैं ना, देख लो। मैंने सीधा अटल पथ पाटलिपुत्रा छोड़ के नादे में कूदा दिस, और ये इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा है दोबारा कि मैप लगाऊं फिर से। तुम ना गोबर खाने वाला काम किया छोटे, समझा? एडवेंचर मतलब जाने से पहले ही यहाँ पे एडवेंचर हो गया। कर रहे थे कि तुम लोग जा सकते हो कि नहीं, एक ऐसा टेस्टिंग है कि 5 मिनट टाइम बचा है, स्टेशन नहीं पहुंचे तो ट्रेन छूट जाएगा। अरे गाय माता भीड़ लगा दी, जय गौ माता। ट्रेन लेट है, चेक किया है। जय गाय माता, हट जाइए हट जाइए हट जाइए। ब्रुम ब्रुम मारना भी होता, अभिषेक जी को मारिए, हम पीछे बैठे हैं। क्या बोलते हैं, मेरा पैर से रोक लूंगी ना यार। तो हम पहुंच चुके हैं पाटलिपुत्रा, कैसा लग रहा है अभी तक? मजा आ रहा है गाइस, अभी चेंज करेंगे। मैं आपको गलत बता के कैसा लग रहा है? मजा आ गया। इतना दूर में हम लोग बहुत ज्यादा एडवेंचर कर लिया, बहुत ज्यादा है ना। हमेशा मैप हमको घुमाता है, इस बार हमने मैप को घुमा दिया। अभी चुप रहा, मैं बता रहा। प्लेटफॉर्म टिकट अभी ले रहे हैं क्योंकि छोड़ने जा रहे हैं, तो बिना प्लेटफॉर्म टिकट का हम लोग नहीं जा सकते। भाई साहब आते ही इतने सब्सक्राइब। हाय गाइस, लाइक करिए सब्सक्राइब। हाय भैया, आपका बर्थडे था? हाँ कल था। हमें इतने सारे लोग छोड़ने आए भाई, इतने सारे। बाय 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 बाय। इधर आ। S12 में है हमारा, और अभी हम S8 या 11 के पास है। और एक बात और कि 3:50 की ट्रेन है, 3:40 में आके स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे लग गई है, तो ये ठीक है। ठीक है, थोड़ी सी पहले है, S8 के पास है। और इस बार हम ट्रैवल कर रहे हैं स्लीपर से, क्योंकि हमें एडवेंचर करने हैं बहुत सारे, क्योंकि AC में बैठो और फटाक से पहुंच जाओ कहीं पे भी। बहुत ही ज़्यादा यूनिक और अच्छी चीज़ें हैं, बट इस बार हम थोड़ा सा एडवेंचर करेंगे। एक स्ट्रगल है हमारे साथ कि एक साइड का खिड़की खुल चुका है, एक साइड का नहीं खुल रहा है। खोल भाई खोल यार, मम्मी का खाना कुछ तो फायदा दिखा यार। खोल, जोर लगा के ऐसा जा बजरंग बली। खोल खोल, नहीं खुलेगा यार, पसीना देख रहे हो। AC में ट्रैवल करने वाले क्या जाने क्या हाँ बात है। अब ठीक है, तुम यहीं बैठ, सामान उधर फेंक देंगे। ऐसी बैठ जाएंगे ठीक है। अभी सफर हमारा शुरू यहाँ से, यहाँ से तो पहले हम दिल्ली जाएंगे और आनंद विहार बताना नहीं है भाई, तो देखेंगे नहीं ना लोग। यहाँ से पहले दिल्ली जाएंगे और फिर वहाँ से बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, और देखते हैं आनंद विहार जाएंगे उसके बाद बताते हैं। मुझे DM करो गाइस, मैं बताऊंगा कहाँ जा रहे हैं, मुझे DM करो। सीक्रेट रिवील किया ना भाई, कसम से यार तुमको ना जंगल में छोड़ के और बोलेंगे मैप लगा के यार। समझ लिया भाई? कितने बजे की ट्रेन थी भाई? 3:50। अभी कितना हो रहा है? 4:34। भाई मैं बता रही हूँ यहीं से ट्रेन इतनी लेट है कि दिल्ली अब कब पहुँचाएगी मुझे भी नहीं पता है। बहुत ट्रेन लेट हो, मैं बोर हो रही हूँ। 6 बजे का टाइमिंग है, देखते हैं कितने पहुँचाती है। 7-8 भी बज सकता है इस अनुसार, ऐसे चलाएगी तो साला 24 घंटे लग सकते हैं। 1 घंटा तो यहीं पे लेट हो गया, 14 घंटे का सफर है। ज़्यादा ही टाइम हो रहा है यार, निकल जा, खुल जाना चाहिए था अब तक। रवि भाई साहब आ चुका है हमारा, भूजा झालमुड़ी खोल लें इसको इधर से। अरे गिर रहा इधर, आराम से। वैसा बुद्धि मेरे को भी था खोलने का, तेरे को क्यों बोलती? ऐसे ऐसे गिरे सबसे, ऐसे काट ऐसे खोलना इस साइड से। हाँ हो गया, यहाँ यहाँ ईमानदारी है। अभी भी देखना, फटा हुआ नोट कोई ना हो, बाद में चलता नहीं है। ठीक है यार, मेरे पास इतना सारा फटा हुआ नोट है, चलता ही नहीं है, क्या करें। फाइनली ट्रेन हमारी चली, स्टेशन को छोड़ी और हम चले दिल्ली दिलवालों के शहर।
हम हैं आरा में, आरा जंक्शन, और यहाँ से भी हमें बहुत सारे लोग देखते हैं और बहुत सारे मैसेज और कमेंट आता है, तो हमने सोचा कि आरा के पावन धरती के पानी का एक कप चाय पी लिया जाए। तो ये चाय आरा, सारे आरा वालों की तरफ से जो हमें प्यार करते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं, थैंक यू सो मच। ऐसे ही देखते रहिए और बड़ी ब्लॉग में खास करके बने रहिए, क्योंकि शॉर्ट्स में थोड़ी सी टाइमिंग लग सकता है, लेकिन बड़ी ब्लॉग एकदम रोज आने वाला है और दिन में दो भी हो सकता है। तो देखो, पूरा फैमिली के साथ इंजॉय करो और बहुत सारा कमेंट करो। ये चाय आरा वालों के नाम। और अभी पार कर रहे हैं आरा जंक्शन को, और यहाँ का बोर्ड को कोई नोच दिया है, बताओ, ये सब बहुत गलत चीज़ है, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो इस साइड से आपको दिख रहा होगा आरा जंक्शन, और अभी हम पार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अभी हम बिहार के कितने जिलों को पार करेंगे यहाँ से। ये रहा स्टेशन, ढेर सारा प्यार हमारी तरफ से आरा वालों के लिए। भाई सच में हम कसम से बता रहे हैं, आज तक हम जनरल में ट्रैवल किए हैं, जब भी घर जाते थे, आवाज़ पता नहीं आप लोग को आ रहा है कि नहीं, और थर्ड एसी और सेकंड एसी में ट्रैवल किए हैं, बट कभी स्लीपर में और फर्स्ट एसी में ट्रैवल नहीं किए हैं, बट बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब एसी के अलावा ये नेचुरल जो एयर है, हवा है, एकदम मज़ा आ रहा है, मन कर रहा है अपना सर ऐसे निकाल दूँ बाहर। विशाल तो भाई फुल ऑन वाइब में है, और इधर तो मन कर रहा है कि मैं पूरा अपना सर ही निकाल दूँ। इतना प्यारा हवा चल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया यार, ये ट्रिप बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत जोर लग रहा है, रजाई चीज़ें मेरे को, इतना ठंडा और प्यारा हवा चल रहा है कि स्लीपर हमने मिस कर दिया था इतने दिनों में। तो यार ट्रेन रुका है, फिर भी वही खेत साइड एरिया है ना, इधर खेत साइड एरिया है, इस वजह से मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्या विशाल, मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, ये तो स्टार्ट है भाई, ये अभी स्टार्टिंग है, अभी देखिए आगे होता है क्या। डोंट नो ये कौन सी, अच्छा बक्सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बैनर को भी आना था, आई डोंट नो, पूरा बोलने तो देना चाहिए। और बारिश भाई, बक्सर के पावन धरती पर पानी आया, झमाझम वाली बारिश होना शुरू हो गया है, और ये नज़ारे, हमारा बैग ना भींगे बस, बाकी इंजॉय करते हुए चलेंगे। बारिश, और इसको मैंने बोला कि बारिश हो रही है तो दो बूंद पड़ा नहीं कि इसने खिड़की भी बंद कर दिया। वाह, अब मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है, मेरे को मज़ा आ रहा है। बारिश है तो खड़े हैं बाहर। हेलो भाई, खाना खाते हैं, 120 रुपए का प्लेट है और हम नहीं चाहते ठंडा हो जाए, तो इसमें है चावल, रोटी, एक और सब्जी, ये सुन पापड़ी, एक और पनीर का सब्जी और दाल। अचार नहीं दिया, अचार की कमी खल रही है ना बिहार में, क्या अचार ना में तो, अरे यार अचार देना चाहिए। विशाल, ए विशाल, विशाल, विशाल ना विशालवा, ए विशालवा, विशाल सो जा, चॉकलेट लेके आया है। चॉकलेट लेके आया है। अभी हम हैं प्रयागराज के धरती पर, और अभी हमने स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, तो उस पर लोग लिख रहे हैं कि स्लीपर से गई हो, इतना कमा रही हो, कम से कम एसी का टिकट करा लेना चाहिए। तो देखो, एसी से इतना बार आई हूँ, गई हूँ, स्लीपर में पहला एक्सपीरियंस है। दूसरा कि हम बजट में ट्रैवलिंग करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं किसी को भी, कि बजट में कहीं पर भी जाइए। दूसरा कि इधर की जो भी ट्रेनें होती है ना इस रूट की, वो बहुत ही सेफ होती है, मतलब हर तरफ से सेफ होती है, और इसमें अभी तक लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ है, ना ही कोई जनरल लोग इंट्री किए हैं। और प्रयागराज से हमारी ट्रेन निकल रही है दिल्ली की तरफ। गाजियाबाद की ताजी कॉफी, बताने की जरूरत नहीं है कहाँ है हम, बक्सर में सोए और सीधा गाजियाबाद में उठे, है ना, गाजियाबाद की कॉफी है, पता नहीं कैसी है, बता, थोड़ा सा शक्कर कम है, कॉफी भी भाई ताजी बना के लाओ भाई, भैया चीनी कम है थोड़ा सा, बोल दिया। मैं बता रही हूँ, जो तू बैग टांगा है ना, उसी बैग को मैं लेकर फर्स्ट टाइम दिल्ली आई थी, ठीक है, और यहीं से वीडियो चलना शुरू हुआ था, और ये वाला जो गोल गोल है ना, ये
चढ़ने में मेरी अम्मा से लेके मेरे नाना का पूरा परिवार याद आ गया था, क्योंकि इतना मैंने इसमें लाद लिया था ना, 100 लीटर का बैग है, हालत खराब हुई थी मेरी, दो आदमी से हेल्प मांग रही हूँ, हेल्प भी नहीं कर रहा है। इस बार मैं लेके एक बार टंग टंग के, और इस बार विशाल लेकर के आया इसे, बट इसने बहुत ही लिमिट में सामान रखा है, ठीक है हो जाएगा, ट्रैवलर का सामान हो ही जाता है, लगता है कि ये भी रख लेते हैं ऐसा वाला। टिकट लेने के लिए अभी जो विशाल है हमारा, वो पहली बार मेट्रो में बैठेगा, फर्स्ट टाइम बैठेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे। और कभी तेरे दिमाग में ये थॉट आया कि वो जो डांस करती हैं लड़कियां, वो किधर करती होंगी? वही देखने के लिए मैं उस साइड भी होती हूँ। वो इधर नहीं मिलता, वो जिधर खाली रहता है उधर मिलता है, देखते नसीब। आ गया मेट्रो, नहीं उधर आया। मेट्रो रिकॉर्ड कर, हम तेरे को रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ तेरे को एक खास चीज देखने को मिलेगा, यहाँ अधिकतर लोग आगे की तरफ बैग टांगते थे, समय टांगे, यहाँ चोरी होने का बहुत डर है, सेफ्टी। तो भाई साहब हमने एक मेट्रो छोड़ दिया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ही भीड़ था, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा था, और हम जाएंगे फैली से बैठ के, क्योंकि इसको डांस भी तो दिखाना है, इधर वो सब नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी भीड़ तो बहुत ज़्यादा, उसमें कच्चा कुच्ची होंगे, उससे अच्छा क्या आराम से एक और जाए। और देखो वहाँ पे हमारा झंडा दिख रहा होगा, वहाँ पे हाँ। अभी पहुँच चुके हैं हम लोग यमुना बैंक गेट नंबर 1 के पास, और शिवम भैया यहाँ से ज्वाइन करेंगे हमें, तो तब तक हमने सोचा कि जूस पी लें, बट अंकल अगरबत्ती जला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ से जूस पियेंगे और आगे थोड़ा सा चल के जाएंगे, देखेंगे कुछ खाने का प्रबंध हो पाए तो खाएंगे, और नहीं तो फिर चलेंगे, और क्या है ना विशाल, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, फर्स्ट टाइम में मजा आ गया, फर्स्ट टाइम मेट्रो चढ़ के कैसा लगा? बहुत मजा आया, वैसे तो कह रहा है एसी भी है इसमें, ठीक है, अरे बिना एसी का बंद मेट्रो आदमी इसमें मर नहीं जाएगा गर्मी से, है कि नहीं? काफी अच्छा लगा भाई, अरे मुंबई के लोकल की बात ही अलग है, वो तो इसीलिए जाना ही जाता है, अगर सफर कर ले तो आदमी कहीं भी सफर कर सकता है, हमने करके आया है वहाँ से। ने ए जी अइला के बाद बिहार से भोजपुरी मुझे नहीं, मतलब कि ज़्यादा दिन आपको आया हो गया होगा ना, इसलिए पूछ रहे। ऐसे कुछ नहीं है, आपको कैसे पता ना, आपको तो लंबा समय पकड़ लिया है ना, अंकल ने हमारे लैंग्वेज से बस हमने पूछा कि जूस पिलाइए, उसने ही से पहचान लिया कि हम लोग बिहार से है, अच्छी बात है ये, हम लोग छोटा मोटा वीडियो बनाते हैं अंकल, छोटा मोटा वीडियो बोल लिए। तो हम लोग जो करते हैं ना अंकल, उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं अपने लिए, कि दिल्ली गए थे तो जूस पिए थे ऐसा। आप पता नहीं आप क्या करोगे? नहीं कुछ ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग अच्छी अच्छी वीडियोज बनाते हैं। आपकी गाड़ी आपकी से? मेरी गाड़ी। अभी यहाँ से ज्वाइन करेंगे हमें शिवम भैया, और हम लोग बाहर निकल गए थे यमुना बैंक से, बट उन्होंने बोला कि कश्मीरी गेट से हमें बस लेना है आगे के लिए, तो फिर से हम लोग टिकट लेकर के और जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, द्वारका सेक्टर 21 की ओर। यस कहो क्या हाल बा? ठीक बड़ा ला राखी के पैसा दो, अरे यही जी दे दो, रख लेम चुरा के। और हाल चाल बताओ? बस बढ़िया ना, चलो अच्छा मतलब बता देना, और वेट करेंगे। शिवम भैया हमारा ऐसा कहे लगा था कि तू हमारे केदारनाथ में बेग डूब, ऐसा गट्स फीलिंग आ रहा है पीछे, इतना बॉडी है तो काम कर रहा है हमको, ऐसा एकदम अंदर से फीलिंग आ रहा है कि आप मेरा बैग ढोइएगा, एकदम है ना, वीडियो में कह रहा है, जब आप कहिएगा ना कि ना ना ढोएं तब हम वीडियो ही दिखाएं, पहले देव डंडा खाने को पड़ी, चला जाए, उतरना है ना यहाँ से, अच्छा शिवम भैया हमको अभी ये तो लग रहा है कि ऐसा आप मेरा बैग ढोइएगा, अभी हम लोग कश्मीरी गेट के लिए ट्रेन लेंगे, मतलब गरीबी नहीं जाएगी मेरी, हम बोल रहे कश्मीरी गेट के लिए ट्रेन लेंगे, मेट्रो लेंगे, सिकंदरा यही जाएगा, ओए ये जाएगा ये विशाल, पीछे पढ़,
अब की ठीक है। और पेश करते हैं आपके सामने दिल्ली का मशहूर छोला भटूरा। ये और भाई दे ना, दे हमको, दे खा तो हम रख दे। सो अब ऐसे लग रहे हैं, अरे आप एकदम छपरी कदई लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं। हम लोग निकल गए हैं कश्मीरी गेट से, बस स्टैंड से हरिद्वार के लिए। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही, और हरिद्वार के ब्लॉग के साथ मिलेंगे आपसे जल्द ही। और तब तक अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसे ही देखिए। जय श्री महाकाल, बाय बाय।